स्टार भारत के शो राधा कृष्ण को मिला फैंस का बेशुमार प्यार। शो ने कंप्लीट किए पूरे एक साल। जी हाँ, आज यूमी और टीवी पहुंच गया है सीरियल राधा कृष्ण के सेट पर, जहां सुमेध यानी कि कृष्ण और मल्लिका यानी कि राधा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज दोनों ने सेट पर ही क्रू मेंबर्स के साथ किया शानदार सेलिब्रेशन। सेट पर सुमेध और मल्लिका ने काटा बड़ा सा केक, उसके बाद एक दूसरे का मुंह मीठा करके बांटी खुशियां। मौका सेलिब्रेशन का है, ऐसे में सुमेध और मल्लिका से उनके एक साल के सफर के बारे में जानना तो बनता है ना। तुम कहो पहले। एक साल पहले भी बोलने नहीं दे रही थी, आज बोलने दे रही हो। दिस इज अ गुड डिफरेंस। मैं बोलूँ? हाँ, एक साल हो गया है एंड ये जर्नी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रही है, इन ऑल वेज, इन एवरी सिंगल वे अनप्रेडिक्टेबल रही। कभी सोचा नहीं था, राधा कृष्ण व्हाट वी थॉट ऑफ became such a grand, such a big show, received all this love from the audience and sabhi se pyar mila hai is show ko and we are extremely happy about it. Har ek cheez jo is show mein hui unexpected thi, kafi different thi. We are really happy in today's date. Ek saal ho gaya hai, yahin pe shayad humne pichle saal interviews bhi diye the jisme hum jhagde kar rahe the, hai na, yaad hai? तो वो सब मेमोरीज हैं ये सारी। एंड यस, एक साल हुआ है, पता नहीं कितने साल होंगे स्पाइडर का जाला, कितने साल और चलेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वी आर रियली हैप्पी अबाउट कंप्लीटिंग वन ईयर एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर। लेट्स सी। आइए अब मल्लिका से भी जान लेते हैं कि एक साल के सफर में उनका कौन सा फेवरेट मोमेंट रहा है जिसे वो कभी भूल नहीं सकती हैं। फेवरेट मोमेंट हमेशा पहला सीन ही रहेगा मेरा, जो मैंने पहला सीन परफॉर्म किया, एक तो वो मार्केट वाला और दूसरा जो मेरा फर्स्ट डे था शूट का, जब डांस सीक्वेंस था मार्केट वाले। वहीं सुमेध ने भी हमारे साथ शेयर किया अपना फेवरेट मोमेंट। मार्केट वाला सीन जो अब तक का सबसे स्पेशल सीन रहा है फॉर मेनी रीजंस, द विजन, द वे डायरेक्टर थॉट ऑफ इट, द वे इट वाज प्लान्ड, द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड and the way we felt during that entire scene, it was very special. Ab tak wo pehli baar aur sab stop hote hain and sabne bahut matlab har ek insaan jo shot mein tha, sabhi log unhone equal mehnat ki hai. Wo continuously aapko 3-4 minute ke liye still rehna ek hi jagah pe without even blinking, ये डेडिकेशन आप मेन एक्टर्स की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सभी ने किया, ये बड़ी बात थी। एंड मुझे अभी भी याद है जो पहला सीन मल्लिका का हो रहा था, तो शी वॉज़ वेरी कॉन्शियस, डरती थी कि ऐसा ना यहाँ से वो नीचे से पकड़ लेती थी कि ये वो। एंड टुडेज़ डेट द वे शी परफॉर्म्स, इट्स यू नो अमेजिंग टू सी सच ग्रोथ इन हर। तो वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है। सुमेध और मल्लिका, फैंस का आप दोनों को बेशुमार प्यार मिल रहा है। आफ्टर ऑल आप दोनों की रिकॉग्निशन भी राधा कृष्ण से ही होती है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप दोनों? मैं यही कहूँगी कि मैं लिटरली बहुत शांत थी, लेकिन कि कैरेक्टर ही ऐसा मिला है कि पता नहीं जितना भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी होती है ना लाइफ में, तो अपने आप ही आपको इतना पॉजिटिव फील होता है। आप आगे परफॉर्म करते हो, डायलॉग्स पढ़ते हो, आप इतना घुस जाते हो उसमें कि आप लिटरली भूल जाते हो कि आपकी कोई पर्सनल लाइफ भी है। तो आप एग्जैक्टली तो इतना मतलब ऐसा लगता है वही स्टोरी चल रही है। तो बहुत कनेक्ट कर सकते हैं। अभी शुरू में बहुत मुश्किल होता था, कैसे करना है, क्या होगा, बट अभी वो अपने आप ही चीज़ों में आप ढल जाते हो कि आपको खुद को ही पता नहीं चलता। टाइम के साथ आप खुद को देखते हो और फिर अपना कल देखते हो, तो बहुत ही डिफरेंस पता चलता है। जाने से पहले आज के इस खास मौके पर अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों? हम यही कहना चाहेंगे कि एक साल राधा कृष्ण को पूरा हुआ है और हम बहुत खुश हैं एक साल कंप्लीट करके। उम्मीद करेंगे कि ऐसा और चलता रहे, हमेशा मेहनत करेंगे, आपका प्यार ऐसे ही बना के रखिए हमारे ऊपर, हमारे शो के ऊपर। और बोलो। और मैं यही कहूँगी कि मैं जब भी इंस्टाग्राम या कुछ भी खोलती हूँ, तो हमसे ज़्यादा डर तो फैंस को होता है कि शो ख़त्म तो नहीं हो रहा है। जब भी कहीं स्टोरी ऐसी जाती है
तो सबको यही लगता है कि ख़त्म, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं इनबॉक्स में, तो हमें थोड़ा रिलीफ फील होता है कि नहीं हम अकेले नहीं हैं, बाकी सब भी इतना सोचते हैं। तुम कुछ क्लियर करना चाहती हो जो ऐसे रूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं या जिनको पता नहीं है ये रूमर्स है भी? शो 2-3 महीने में 1 महीने में ख़त्म हो रहा है? मैं ऑनेस्टली कहूँगी हम में से किसी को नहीं पता है, बट हम भी यही चाहते हैं कि अच्छा चले, आप भी ऐसे ही देखते रहिए। बेसिकली कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, तो जो भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि शायद ये ख़त्म हो रहे हैं, अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है। देखिए एक न एक दिन तो हर एक शो बंद होना ही है, तब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट कीजिए, तब तक इन अ गुड वे ऑब्वियसली। वेल, विवेश की सीरियल राधाकृष्ण खूब तरक्की करे और सक्सेस की नई उड़ान भरे। मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट, E24।